नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। I love my school because teachers here are very kind and supportive and give a special attention to everyone. The teachers are responsible and really committed. Who said this remote? Let's talk them with care to us. The teachers have an interactive way of teaching. They know that how to figure out the best way to make us learn. The school environment is very healthy and comfortable, and it's easy to adjust. My faculty is in my overall development helps me in becoming a better person to bring a change in. My school offers great facilities, including a large computer lab, chemistry lab, physics and bio lab for practical knowledge, and also a library full of stories and theories. My school has a beautiful campus with lots of greenery and a big playground. My school conducts special assembly every week and encourages students to speak the crowd and boost their confidence. The school committee and the school staff is very supportive. Our school takes care of all the health care and the medical facilities. Our school provides a wide range of opportunities to prove ourselves in various areas. झारखंड के धनबाद में मैन रोड पर जनरल स्टोर के चोरों ने ताले काटे। तन्मय सेन सिंदरी के रोहरा बंद में जनरल स्टोर में, जो बिल्कुल रोड पर है, जहां काफी चहल पहल रहती है, रात में उनके दुकान के सामने चार ताले काटकर चोरों ने चोरी करके पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है। सिंदरी थाना बिल्कुल समीप में है। चोरों की हिम्मत को देखे, किस तरह सिंदरी थाना के समीप घटना को अंजाम दिया, इससे जाहिर होता है कि चोरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सेन ने मोबाइल पर यह सूचना चेंबर के अध्यक्ष दीपक कुमार दीपू को दिया है। चोरी की हम कड़ी निंदा की है और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द चोरी को अंजाम देने वाले को पकड़े और आगे सुरक्षा सुनिश्चित करें। ताला काटकर चोरी करना, जबकि पेट्रोलिंग होती है, थाना बगल में है, डीएसपी कार्यालय बगल में है, स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस जैसी संस्था बगल में है, उसके बाद भी चोरी का होना अपने आप में एक बड़ी घटना है। पुलिस प्रशासन को इसे तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरों को धर दबोचना चाहिए। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट। क्या हुआ है आपके दुकान में? दुकान में हुआ है सर, आपको काला तोड़ के चोरी हो गया। कितना बजे चोरी हुआ है? चोरी हुई तो मालूम नहीं, पौने 12 बजे दुकान बंद करके गया हम लोग। अच्छा, उसके बाद सुबह 6 बजे आके देखते हैं। कैसे पता चला? लड़का बुला लिया था, आपको दुकान खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी है? किसी पे कोई शक ना? किसी से मेरा शक नहीं। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी हुआ कुछ पैसा था, 3000 रुपये मोटा मोटी था, 3000 रुपये तक पैसा गया, कैश गया है, और आपको दुकान का सामान ले गया है। क्या क्या सामान ले गया? सामान ले गया, काजू किशमिश ले गया, हॉर्लिक्स ले गया, कुछ और भी कीमती कीमती सामान था, ये सब ले गया। और कुछ तोड़ फोड़ नुकसान भी हुआ है? हाँ, नुकसान तो हुआ है। हुआ है? हाँ, नुकसान हुआ है। ताला? ताला सब तोड़ दिया है, काटा हुआ है, देखता है। अच्छा, दो बराबर ताला था, वो भी काटा है, वो तो मिला ही नहीं है, लेके भाग गया। हाँ। अच्छा, थाना को कंप्लेन किए हैं? थाना में तो अभी बोला नहीं किया था। अच्छा, तो वो लोग देख के किया है, बोला लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, थाना आए थे? थाना आया था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तन्मय सेन। तन्मय सेन, कहाँ का रहने वाले? यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहता है बीटी 37 नंबर में। चोरों के आतंक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, आज तो बहुत दुखद घटना, एक दंपत्ति है तन्मय सेन, हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर मेहनत करते हैं, और रोड़ाबाद में एक जनरल स्टोर चलाते हैं,
बड़ा दुखद आज सवेरे मुझे खबर मिला कि उनका चार ताला को किसी शार्प चीज से काट कर चोरी की गई। अभी तक जो चोरी होती थी वो एस्बेस्टस सीट को हटाकर या तोड़कर चोरी होती थी, लेकिन ये घटना जो है ये चिंता ज़्यादा बढ़ाती है क्योंकि ताले को काटा गया है और चार चार ताले को काटा गया और वैसे जगह काटा गया है जो जहाँ पे चहल पहल बहुत रहती है। आप बगल में स्टेट बैंक है जहाँ RBI चेस्ट है, उस वहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल रहती है, बगल में पोस्ट ऑफिस है, थोड़ा ही सामने में थाना है, बगल में DSP कार्यालय है, तो चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो खुली चुनौती है। ये तो मैं मानता हूँ कि पुलिस के लिए प्रशासन के लिए खुली चुनौती है कि आपके नाक के नीचे हम चोरी करेंगे और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इधर घटनाएं जो है सिंदरी में काफ़ी हुई हैं, इधर बाइक की चोरी भी घटना बढ़ गई है, क्वार्टर्स में एल टाइप में और दो दो घर में चोरी हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस चोरी का अभी तक जितनी भी चोरी हुई है उनका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ, तो पुलिस को तत्परता दिखाना पड़ेगा और ख़ासकर हमारे सिंदरी में जो पेट्रोलिंग होती है, मेरा ये कहना है कि आप पेट्रोलिंग करते हैं दिखता भी है कि गाड़ी घूम रही है, PCR घूम रही है, पर सिर्फ घूमने से नहीं होगा, कम से कम पुलिस बल को गाड़ी से उतर के कुछ सेंसिटिव प्लेस जहाँ पर चिन्हित करके उन जगहों पर थोड़ा फिजिकल भी मूवमेंट दिखाना चाहिए, फिजिकल भी लोगों को घूमना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि भाई हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। PCR के अंदर कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ है, PCR घूम रहा है इससे पता तो चलता नहीं है, तो ये इस पर थोड़ा सा पुलिस बल को ध्यान देना चाहिए। और साथ ही मैं धनबाद के सिटी SP से, SSP साहब से, DSP साहब से भी अनुरोध करूँगा कि इसको इस मामले को सीरियसली ले, क्योंकि ये जो ताला काटना ये नॉर्मली मैंने सुनियोजित जो चोर होते हैं वो ये सब काम करते हैं, इसका मतलब है कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है और इसको जितना जल्द हो सके पकड़ कर इसको बस्ट करना चाहिए इस गैंग को और लोगों में सुरक्षा देना चाहिए। साथ ही मैं ये भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह की अब घटना ना हो इसको भी सुनिश्चित किया जाए। आज आपके पास पुलिस बल है, यहाँ पर खुद SDPO बैठते हैं और अगर इस जगह पर चोरी होती है तो बड़ा दुखद है, इस पर पुलिस प्रशासन को बहुत तेज़ी से और बहुत मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है। सिंदरी में जो चोरी की घटनाएं हो रही है दिन पे दिन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल अप्रत्याशित रूप से सिंदरी में चोरी की घटनाएं घट रही हैं जो चिंता का विषय है, प्रशासन को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, बाहरी तत्वों पर नज़र रखना चाहिए। मनोहर टांग जैसे इलाके में बहुत से बाहरी आके बसे हुए हैं, उसमें बहुत तरह के क्रिमिनल टाइप के भी लोग हैं, इस सब पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जैसे रोड़ा बांध में चोरी की घटना घटी, 10 दिन पहले एल टाइप में भी चोरी हुई, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वही तो बोल रहे हैं कि तो बहुत दुखद घटना है, पुलिस को निष्क्रियता है, पुलिस को सक्रियता दिखाना पड़ेगा, गश्त बढ़ाना पड़ेगा, प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा। बलियापुर और सिंदरी थाना तो दोनों थाना का क्षेत्र है, आधा बलियापुर में आधा सिंदरी थाना में है, तो हम लोग आग्रह करेंगे कि पुलिस प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दें। हम बात भी करेंगे, हम आगे आग्रह करेंगे बड़े पदाधिकारियों से, DSP साहब से, SP साहब से भी, इस क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाया जाए, थाना को निर्देश दिया जाए कि पेट्रोलिंग बढ़ाएं, पुलिस सक्रियता अपनी बढ़ाए ताकि शहर के लोग अमन चैन से रह सकें। धन्यवाद।